जीव जब जगत में आता है तो अपने कर्मों का फल भोगने के लिए आता है। हम सब जितने भी भक्त बैठे हैं, जितने भी जीव बैठे हुए हैं, वो समस्त जीव प्राणी इस जगत में इसलिए आए हैं कि जिसने जैसा कर्म किया वैसा फल उसे मिल रहा है। भाई अच्छा कर्म करके आए हो तो अच्छा मिल रहा है ना। कर्मण्ये वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म जीव के हाथ में है, फल परमात्मा के हाथ में है। फल तो परमात्मा ही देता है। जगत में जीव आता है तो जगत में परमात्मा भी आता है। जीव अपने कर्मों का फल भोगने के लिए आता है, लेकिन परमात्मा कर्मों का फल भोगने नहीं आता है। फिर जीव में और ब्रह्म में अंतर क्या रहा? जीवात्मा में और परमात्मा में अंतर ही क्या रहा? अगर कर्मों का फल भोगने के लिए परमात्मा भी इस जगत में आता है तो फिर कोई मतलब नहीं है जीवात्मा में परमात्मा में, अंतर ही समाप्त हो गया। नहीं प्यारे, जीवात्मा कर्मों का फल भोगने के लिए आता है। जैसे एक कारागार है, उस कारागार में अपराधी पहुंच गया क्योंकि उसने अपराध किया है, इसलिए उस अपराध की सजा काटने के लिए वो कहां पहुंच गया? कारागार में पहुंच गया, जेल के अंदर आ गया। तो वो तो अपने कर्मों की सजा भोगने के लिए आया है ना। लेकिन कारागार मंत्री भी उस कारागार में निरीक्षण करने के लिए पहुंच जाए तो क्या कारागार मंत्री भी अपराधी है? और जिस दिन वो अपराधी घोषित हो जाएगा उस दिन मंत्री पद उससे छीन लिया जाएगा, फिर उसे अपराधी मान करके कारागार में उसे सुनिश्चित स्थान दे दिया जाएगा कि इतने वर्ष तक अब तुम्हें सजा काटनी पड़ेगी, फिर वो मंत्री नहीं रहेगा। लेकिन यदि कोई पदस्थ है, कारागार मंत्री है, चाहे वो भारत सरकार का हो चाहे प्रदेश सरकार का हो, लेकिन अगर वो कारागार के अंदर गया है तो वो कारागार के अंदर सजा काटने के लिए नहीं गया है बल्कि कारागार का निरीक्षण करने के लिए गया है। क्या करने के लिए? निरीक्षण करने के लिए गया है। जीव इस जगत में सजा भोगने के लिए आता है, सजा काटने के लिए आता है, कर्मों का फल भोगने के लिए आता है, लेकिन परमात्मा स्वयं कहता है कि मैं इस जगत में जगत का निरीक्षण करने के लिए आता हूँ, जगत के प्राणियों का निरीक्षण करने के लिए आता हूँ, जगत के जीवों में जो भावना भरी हुई है उस भावना के आधार पर जो मुझे बुलाता है मैं उसके पास इस जगत में पहुँच जाता हूँ। तो भाई बात यह है कि आप सब इस बात पर यकीन कर लीजिए कि परमात्मा एक ही बात कह रहा है ना, मैं निराकार। झगड़े समाप्त कर दो, ये निराकार और साकार वाले झगड़े समाप्त करो। परमात्मा कहता है इस जगत में मैं आता हूं, कोई कहता है जब निराकार है तू फिर साकार बन के क्यों आता है, और साकार है तो फिर निराकार कैसे? तो परमात्मा कहता है ना मैं निराकार हूं ना मैं साकार हूं, ना मैं निराकार हूं ना मैं साकार हूं। भक्तों ने कहा फिर आप इस जगत में आते हैं क्यों? भगवान कहते हैं निराकार और साकार बन के नहीं, फिर ना मैं निराकार हूँ ना मैं साकार हूँ, मैं तो भक्ति की भावना से तदाकार हूँ, भक्ति की भावना से तदाकार हूँ। भक्त मुझे जैसा आकार दे देते हैं मैं उसी आकार में आ जाता हूँ।
तो बोलो इस जगत में बुलाता कौन है? परमात्मा को भक्त बुलाते हैं, और भक्त जब बुलाते हैं तो उन्हीं भक्तों के अनुरोध पर परमात्मा जगत का निरीक्षण कर लेता है और जगत में अपनी लीला करता है। आप सब जितने भी बैठे हो महाराज, मनु की संतान हो। किसकी संतान हो? महाराज मनु की संतान हो सब। आप कहोगे महाराज इसका प्रमाण क्या है कि महाराज मनु की संतान हम सब हैं? रामचरितमानस ग्रंथ प्रमाण है। स्वयंभू मनु और सतरूपा स्वयंभू मनु और सतरूपा स्वयंभू मनु रूपा जिन ते भई नर सृष्टि अनुपा जिन ते भई नर सृष्टि अनुपा जिन नर सृष्टि अनुपा जिन ते भई नर सृष्टि अनुपा स्वयंभू मनु और सतरूपा जिनते भई नर सृष्टि अनुपा। तो आप सब नर हो ना, नर सृष्टि के अंतर्गत आप सब जीव आते हो। तो जिनते भई नर सृष्टि अनुपा, सृष्टि के पहले मनुष्य, पहले नर और नारी के रूप में कौन आए हैं महाराज? मनु और सतरूपा, ये सृष्टि के पहले नर नारी हैं। उन्हीं से संपूर्ण सृष्टि का प्रादुर्भाव हुआ है, संपूर्ण सृष्टि का जन्म हुआ है। तो इससे सिद्ध हुआ कि हम सब मनु की संतान हैं। मनु जी ने निराकार से भगवान को साकार रूप में प्रकट किया। राम जी का जन्म अयोध्या में हुआ, लेकिन इसके पहले का जो कथा क्रम है, राम जन्म के हेतु अनेका, तो अनेक हेतु में एक मनु शत्रुपा भी हेतु है। महाराज मनु और शत्रुपा ने निराकार से उस परमात्मा को साकार रूप में प्रकट कर दिया। आप कहोगे निराकार का कोई आकार ही नहीं होता है, तो मनु जी ने कैसे बनाया उसे साकार? क्या ब्रह्मा जी को बुलाया था मनु ने, जो निराकार से साकार बना दिया? भाई निराकार कौन है पहले तो ये समझिए कि निराकार कौन है। बिन पग चले सुने बिन काना, कर बिन कर्म करे विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिन बाणी वक्ता बन जोगी, तन बिन परस नयन बिन देखा, उलहै घ्राण बिन बास असैसा, अस सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जासु जाए नहीं बरनी। यह है निर्गुण ब्रह्म, निराकार ब्रह्म। जो कबीर पंथी हैं वो कहते हैं ब्रह्म तो निर्गुण है, लेकिन प्यारे दादू पंथी, कबीर पंथी, ये सब कहते हैं कि ब्रह्म तो निर्गुण है, लेकिन विचारवान श्रोताओं विचार करना, संत तुलसीदास जी कहते हैं कि वह ब्रह्म तो प्रकट हो रहा है। तो जब प्रकट हो रहा है, चल रहा है, बोल रहा है, सुन